नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार आऊं आया संजा सैयद आई नाज़रीन आऊं आया अली रज़ा मंगी शामिल कंदा सी हेडलाइंस आया सादिक कौमी असेंबली जो नौ स्पीकर चुनजी वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आया सादिक 199 वोट खी सोभमानी सुनी इतिहाद काउंसिल जो उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर 91 वोट खी सको नए स्पीकर आया सादिक हलफ खण अहद संभाले वरतो स्पीकर राजा परवेज अशरफ आया सादिक के हलफ खणा जे वाई फजल ग्रुप BNP ए महमूद खान चकजई स्पीकर की चूंड में हिस्सों न वरतो स्पीकर की चूंड दौरान सुनी इतिहाद काउंसिल के मैंबर एहतजाज भी एवान में गौर नारेबाजी पीपल्स पार्टी जो गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट खी डिप्टी स्पीकर चूंजी वो सुनी इतिहाद काउंसिल के जुनैद अकबर के रुगो 92 वोट मिलया डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह अलफ भी खी वो जिते जिते मुस्लिम लीग नून से गालों या मुआदो ना थो उते MQM पाकिस्तान के मौको मिलो पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो पार्लियामेंट हाउस बहरा मीडिया से गालों तो चवण है नून लीग से असान जो गाल तय थी वन तो किथे किथे गवर्नर्स फाइनल थींदा मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जे वाई सरबराह से संदस रिहायशगाह मुलाकात हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त जरियन मुजब मुलाकात में मुल्की सियासी सूरतयाल से गाल बोल थी नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के गड हलण की दावत भी दिनी मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ के पांजन खदशन का भी आगाह किया अगूणो निगरान घरू वजीर ए पीपी अगवाण मीर सरफराज बुगटी बिना मुकाबले बलोचिस्तान जो वो वजीर नामजद थी वो सेक्रेटरी असेंबली ताहिर शाह काकड़ मुताबिक वजीर आला लाए सरफराज बुगटी का सिवाय कें बे उम्मीदवार नामजदगी कागज जमा न कराया बिना मुकाबले वो वजीर नामजद थियण बावजूद सुभाने ऐवान में वे वजीर लाए राय शुमारी थी सरफराज बुगटी के राय शुमारी में 30 मेंबर की हिमायत घुर्बल होंगी अली अमीन गंडापुर वरी अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा जो 22 वो वजीर चूंजी वो आजाद हैसियत में डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन कटींदड़ अली अमीन गंडापुर के सुनी इतिहाद काउंसिल की हिमायत हासिल हुई अली अमीन गंडापुर 90 वोट हासिल कया संदस मुखालिफ उम्मीदवार इबादुल्ला के रुगो 16 वोट मिलया नाज़रीन बुलेटिन पंजाणी पहुंचो अपडेट्स लाइव जितना वेबसाइट